अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 टाउनस ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन को पढ़ रहे हैं और इसमें हमें आज पढ़ना है छोटे और बड़े ताजों के बारे में। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूड द बंजाराज, सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्मड एसोसिएशंस विद हेड मैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। बच्चों, 18वीं सदी में मुख्तलिफ किस्म के ताजर जो है हुआ करते थे। इनमें से कुछ ताजरों का कारोबार बड़ा और कुछ ताजर जो थे उनका कारोबार छोटा हुआ करता था। इन तजारत पेशों में एक जमात जो थी वो बंजारों की थी। बच्चों, इस किस्म के ताजर तजारत की गरज से अक्सर वो बेशतर चलते ही रहते थे। ये किसी जगह ज़्यादा उर्से तक कायम नहीं करते और ये ताजर अपने साथ खाने पीने का सामान भी रखते थे और जो बीवी बच्चों को भी अपने साथ रखते थे। ये चीज़ों को कम कीमत पर ख़रीदते थे और फिर इस कम कीमत पर ख़रीद कर वो अच्छे दामों में बेचते थे। और बंजारा किस्म के ताजर रोज़ाना सिर्फ 7 या 8 मील का सफ़र तय करते थे। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट्स, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवानस एंड फॉर्मड guilds to protect their interests. There were several such guilds in South India from the 8th century onwards, the most famous being the Manigramam and Nanadesi. These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. बच्चों, इस टाइम पे जो लोग घोड़ों का कारोबार करते थे, घोड़े भेजने का जो कारोबार करते थे, वो अपना एक ग्रुप बनाते थे और इस ग्रुप का एक हेड होता था, लीडर होता था, जो फिर आगे बात करके इन घोड़ों को भेजने का काम करता था। और इन ताजरों को तिजारत की गरज से चूँकि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो इसलिए ये जमात बनकर निकलते थे, एक ग्रुप बनकर निकलते थे, क्योंकि इनको जंगलों से गुजरना पड़ता था। और इस किस्म की जमात जो थी 18वीं सदी में